हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी एजुकेशनल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीकेंड एनालिसिस करते समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो हम इंट्रोडक्शन देंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस की, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए या परचेज करके पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ स्टॉक्स पे नहीं, कमोडिटीज, करेंसी, किसी भी चीज पे आप यूज कर सकते हैं जहां हमें पास्ट डेटा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हम कोई भी स्टॉक लेते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव यही होता है टू मेक मनी और टू बी प्रॉफिटेबल, या फिर एक अच्छा डिविडेंड, वो भी एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी ही है। तो हमें इसके लिए पांच चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में कितने 3,000 प्लस स्टॉक्स हैं। तो हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम हर स्टॉक खरीदे, और अगर पैसा हो भी तो हम हर स्टॉक क्यों खरीदें, क्योंकि कुछ स्टॉक्स तो नीचे भी जा सकते हैं ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। तो एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक खरीदना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब किस प्राइस पे खरीदना है, ऐसा ना हो ना कि हम खरीद लें 300 रुपए पे रहे यस बैंक और वो 10 रुपए आ जाए। यानी कि हमें एक ऑप्टिमल प्राइस पे खरीदना है ताकि हमें प्रॉफिट हो, और फिर हमारा टारगेट क्या हो, किस प्राइस पे हमने उसको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, और स्टॉप लॉस क्या हो। ऐसा नहीं होना चाहिए अगेन एग्जाम्पल ऑफ यस बैंक के 300 रुपए पे खरीदा, 10 रुपए आ गया और हमने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, हमारे लॉसेस 90% हो गए। एक रीजनेबल 2% 4% लॉस होना चाहिए। और किस टाइम फ्रेम में, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री 2008 में लिया गया, 2018 तक कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट में लगा लेता, पैसा डबल हो जाता। ठीक है, तो ये पांच चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ स्टॉक्स बाय करने के लिए या कुछ स्टॉक्स सेल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एनालिसिस इन पांच चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक तो होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर हम बहुत सी फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करते हैं, जैसे कि वैल्यूएशन रेशियो, फाइनेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंट रेशियोज, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी। हम सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ, सी सुइट पीपल, सीएफओस को इंटरव्यू करते हैं, समझते हैं कि उनका क्या कहाँ लेके जा रहे हैं वो कंपनी को, उनके ऑफिस को विजिट करते हैं, प्लांट्स को विजिट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी फेक कंपनीज होती हैं जो कि एक कमरे में खुली होती हैं और वो जाके लिस्ट हो जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं, और फिर हम इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और फिर वो कंपनीज बैंकक्रप्ट हो जाती है। हमें स्टडी करना पड़ता है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमें स्टडी करना पड़ता है कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इंफोसिस का कॉम्पिटिटर टीसीएस, विप्रो, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें स्टडी करने के बाद हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें हमारे को ये देखिए, ये मैंने कुछ रेशियोज की लिस्ट बनाई है जो हमें समझनी पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यूएशन रेशियो है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, एफिशिएंसी रेशियोज है, लिक्विडिटी रेशियोज है, ओके, और सॉल्वेंसी रेशियोज। लगभग 34 रेशियोज हमें समझनी पड़ती है तभी जाके हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब करने में तो हमें बहुत समय लग जाएगा, लगभग 3 महीने, कम से कम 1 महीना। इतनी देर में तो स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे चला जाएगा, तो हमारा टारगेट भी हिट हो सकता है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक हमारे पास टूल है जो हमारे पास फास्टर है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन टू फॉरकास्ट फ्यूचर प्राइस। बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हम प्रॉफिटेबल हो। अगर हम ये समझ सके कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, तो उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स।
जो हम देखेंगे लेटर ऑन, उसमें हम ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो जो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में, हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे ना। डाउन ट्रेंड में तो नीचे चले जाएगा, लॉस हो जाएगा, और साइडवेज में ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, तो क्या फायदा, पैसा अटका रहेगा। तो इसलिए हमें अप ट्रेंड स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं। फिर इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बॉलिंगर बैंड्स, ये वेरियस वेरियस स्टडीज होती हैं जिसके बेसिस पे हम, जिसको हम पढ़ते हैं, और उसके बेसिस पे हम स्टॉक के डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत से पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, एफ पैटर्न, इन्वर्टेड एफ पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत से पैटर्न्स होते हैं, जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पता है उनके लिए इजी होगा, जो बिल्कुल नए हैं उनको जैसे जैसे हम अपने आगे एजुकेशनल वीडियोस करते हैं उसको समझ आता चला जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव्स, जो हमने सोचा समझा था फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमारी लास्ट क्लास है, उसका डेटा भी होता है जो एनएससी की वेबसाइट पे पब्लिश होता है। उसमें हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, कितनी पोजीशंस ओपन है, या कितने डेली चेंज हो रहे हैं, या वीकली चेंज हो रहे हैं, मंथली चेंज हो रहे हैं, प्राइस कितना चेंज हो रहा है, पुट कॉल रेशियो कितनी है। ये रेशियो जैसे कि ग्रेटर देन वन होती है तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेस देन वन होती है तो हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये सब स्टडीज है ना, ये स्टडीज हमारी बेसिकली तीन या चार अजम्पशंस पे डिपेंड करती है। और वो अजम्पशंस क्या है, एक तो मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। कोई भी चीज है, कल को सीईओ बदलने वाला है, ठीक है ना, वो मार्केट एक्शन में पहले से जा जाएगा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, तो वो सब मार्केट में पहले से आएगा। और जो प्राइस है, सेकंड अजम्पशन क्या है, जो प्राइस है वो हमेशा एक पैटर्न में, एक ट्रेंड में फॉलो करता है। और एक और चीज है कि प्राइस हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, कि पहले हाई लगा था तो फिर से दोबारा कोई नया हाई लग सकता है, पहले लो लगा था तो फिर से कोई नया लो सकता है, पहले डबल टॉप बना था तो फिर से डबल टॉप बन सकता है। तो ऐसे ऐसे हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हमारे को चार इंपॉर्टेंट प्राइस के फील्ड इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो हमें मालूम है कि हमारी मार्केट कब खुलती है, हमारी मार्केट खुलती है सुबह, हमारी मार्केट खुलती है सुबह 9:15 पे और 3:30 शाम को बंद होती है। इसके दौरान स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ओके, तो इसको स्टॉक प्राइस को ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कितने प्राइस पे ओपन हुआ है 9:15 पे या कितने प्राइस पे क्लोज हुआ है, सिर्फ वही नॉलेज नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि हाई कब लगता है और लो कब लगता है। ओके, तो ये चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए। और हमारे पास वेरियस वेरियस तरह के चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, और इसमें से हम चूज कर सकते हैं कि किस चार्ट पे हम कंफर्टेबल है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, हमारे पास अप ट्रेंड होता है कि स्टॉक ऐसे जा रहा है, डाउन ट्रेंड होता है कि स्टॉक ऐसे आ रहा है, और साइडवेज ट्रेंड होता है कि स्टॉक ऐसे जा रहा है। ओके, तो ये ट्रेंड को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्राइस का हम ये इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये है मेरा ओपन और ये है मेरा क्लोज। जब भी मेरा क्लोज ओपन से ऊपर होगा तो उस दिन बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, यानी कि उस दिन बुलिश पैटर्न, और जब मेरा क्लोज नीचे होगा ओपन से तो उस दिन रेड कैंडल फॉर्म होगी, यानी कि उस दिन बीरिश कैंडल है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ओपन हाई लो क्लोज, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ द कैंडल एंड दिस इज नोन एज विक्स ऑफ द कैंडल। मोमबत्ती होती है ना, इसको 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 इसको, ये मोमबत्ती की बत्ती ऊपर से भी होगी और नीचे से भी होगी, तो उसे हम कहते हैं विक ऑफ अ कैंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक तरह का चार्ट है जिसे हम कहते हैं लाइन चार्ट। ओके, तो ये हमारा लाइन चार्ट है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि एक कैंडल्स की फॉर्म में होता है। और देखिए लाइन चार्ट में क्या है, लाइन चार्ट में मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ओपन कहाँ है, लो कहाँ है, ये सिर्फ क्लोज पता चल रहा है। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट में देखिए पूरी कैंडल बन रही है, ये हाई भी पता चल रहा है, लो भी पता चल रहा है, ओपन भी पता चल रहा है, क्लोज भी पता चल रहा है। जहां जहां मैंने ग्रीन को चेंज किया हुआ है ब्लू में इसको दिखाने के लिए, जहां जहां मेरी ब्लू कैंडल बन रही है वो मतलब कि ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर हुआ तो बुलिश कैंडल बनी, और जहां जहां मेरी रेड कैंडल है वहां ओपन ऊपर था, क्लोज नीचे हुआ तो वो मेरी रेड कैंडल। मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज का बहुत सिंपल सा जो हमने स्कूल में या उसमें पढ़ा होगा फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारी एवरेज, एवरेज क्या होती है बेसिकली, एवरेज होती है कोई भी एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, नंबर ऑफ उन सब का सम करके डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ टाइम्स, वो हमारी एवरेज होगी। मूविंग एवरेज जो मूव करती रहे, आगे एवरेज बढ़ती है। जैसे कि हमारे पास 10 दिन का डेटा है, 11 डे को मेरी एवरेज ये बन गई 28, फिर 11 डे को भी तो प्राइस हुआ ना कुछ, तो जो मैं फर्स्ट वाली है वो कैंसिल कर दूंगा, फिर 11 डे की ऐड करके फिर मैं एवरेज बनाऊंगा जो 12th डे की वो हो जाएगी। तो 10 दिन की एवरेज मूव करती जा रही है, जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं जो सबसे पहला वाला दिन है वो माइनस होता जा रहा है। ठीक है, कॉमनली यूज इंडिकेटर इन टेक्निकल एनालिसिस आइडेंटिफाइड ट्रेंड डायरेक्शन। अगर आपको ट्रेंड पकड़ आ गया कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये पकड़ आ गया कि स्टॉक का है, तो आप प्रॉफिट करेंगे ट्रेड में भी और इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, और हमें इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए और जा कैलकुलेशन करनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि कहाँ जाके प्रॉफिट बुक होना है और कहाँ इसका स्टॉप लॉस होना। एवरेज प्राइस आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, दैट हेल्प स्मूथ आउट द प्राइस। और जो एवरेज प्राइस है ये हमारा कॉन्स्टेंटली चार्ट में होता रहता है। जैसे चार्ट को कभी लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा मैं आपको, तो हम देखेंगे कि कैसे ये जैसे कि मूवमेंट हो रही है टाइम की, वैसे वैसे ये चार्ट में भी डिपिक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बेसिकली हमने देखा कि क्या क्या चीजें चाहिए हमारे लिए। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो अगर जिसने ये चार पांच चीजें समझ आ गई, जिसको ये पांच चीजें समझ आ गई कि कैसे करनी है, वो हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा ही कमाएगा। कौन सा स्टॉक खरीदूं, किस प्राइस पे खरीदूं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूं, कितना मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कितने टाइम पे, इन पांच चीजों को मास्टर करना ही हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके लिए हमारे पास वेरियस टूल्स होते हैं, इंडिकेटर्स हम कहते हैं जिसे, ठीक है, पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और ये सब स्लोली स्लोली हम आगे सीखेंगे। चलिए दोस्तों आज का यही खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ जाने से पहले कि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। आपने जो भी स्टॉक लेना है या जहां भी इन्वेस्टमेंट करनी है ट्रेडिंग के लिए या पोर्टफोलियो के लिए, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करना है, उसके अलावा नहीं करना है। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा ज्ञान देना, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, वेरियस स्टॉक्स कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं। तो आई रिपीट माई डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग हैज टू बी डन विद सोल कंसल्टेशन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। यू शुड नॉट यूज माई वीडियो एज ए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीकेंड।